बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी एक्टर्स हैं वो स्टार बनना चाहते हैं। इसके पीछे कारण है एक तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी और तीसरी बात कि आपके पास पावर हो जाती है। सेट पर आपके हिसाब से काम होता है, कई बार तो कहानी भी आपके हिसाब से ही सेट की जाती है, और अगर कहानी सेट नहीं तो फिर आप उस फिल्म से वॉकआउट भी कर सकते हैं। लॉस आपका नहीं बल्कि प्रोड्यूसर का होगा। वेल, ऐसा ही कुछ किस्सा है राजेश खन्ना साहब का। राजेश खन्ना साहब ने जैसी स्टारडम देखी है वैसी स्टारडम आज के किसी भी स्टार ने नहीं देखी है। यही कारण है कि उनके स्टारडम के कई सारे किस्से पॉपुलर है, जैसे कि खून भरे लव लेटर्स आना, उनकी कार लड़कियों के लिपस्टिक के निशान से भर जाना। ऐसे कई किस्से हैं राजेश खन्ना साहब के स्टारडम के, और जब स्टारडम होगा तो फिर एटीट्यूड तो आएगा ही। और ऐसा ही कुछ किस्सा है राजेश खन्ना का ईयर 89 का, जब वो एक फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना को कास्ट किया गया था रेखा और जया प्रदा के साथ में। सोचिए, राजेश खन्ना रेखा और जया प्रदा के जोड़ी की कोई फिल्म आएगी तो स्क्रीन पर कितनी पसंद की जाएगी। ऐसी एक फिल्म बनाई जा रही थी जिसमें राजेश खन्ना स्टोरी का सेंटर कैरेक्टर थे। स्टोरी बहुत पसंद आई थी राजेश खन्ना साहब को, इसीलिए इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना साहब ने हां भी कर दिया। इनफैक्ट फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सावन कुमार टाक ने किशोर दा से गाने गवाए थे, और जब किशोर दा गाने गा रहे थे तब उन्हें बता दिया था कि फिल्म में राजेश खन्ना साहब है तो गाने उनके हिसाब से ही गाना। हल्का हल्का सुरूर है करके गाना था इस फिल्म का, जो कि किशोर दा ने गा लिया था दिमाग में राजेश खन्ना साहब को इमेजिन करके, और राजेश खन्ना साहब ने भी गाने के कुछ सीन्स शूट कर लिए थे। इसी दौरान राजेश खन्ना साहब ने फिल्म के दूसरे गाने भी सुने। इन गानों में से एक गाना राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया, और राजेश खन्ना साहब ने तब सावन कुमार टाक से पूछा कि ये गाना किस पर पिक्चराइज होगा। तो सावन कुमार टाक ने कहा कि ये गाना आप पर पिक्चराइज नहीं होगा, बल्कि फिल्म के एक और हीरो हैं जो एक यंग किरदार निभा रहे थे, सुमित सहगल, उनके ऊपर पिक्चराइज होगा। तब राजेश खन्ना साहब ने सावन कुमार टाक को कहा कि ये तो मेरे फ्लेवर का गाना है, मैं ही ऐसे इमोशनल किरदार करता हूं और मेरा यही किरदार ऑडियंस को कनेक्ट करता है। जिन फिल्मों में मैं इमोशनली टूट जाता हूं या एंड में मर जाता हूं, उन फिल्मों में मुझे बहुत प्यार मिला है, इसीलिए मेरा कहना है कि ये गाना तुम मुझ पर पिक्चराइज करो, इस गाने की रीच और भी ज्यादा हो जाएगी। तब सावन कुमार टाक, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूसर थे, स्टोरी उनकी थी और डायरेक्टर भी वो खुद थे, वो अपनी स्टोरी को किसी भी हाल में राजेश खन्ना साहब के हिसाब से चेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी राजेश खन्ना साहब के लिए उन्होंने गाने भी रख दिए थे और रोल भी अच्छा था, हर एक चीज सेट हो गई थी, और स्टोरी के फ्लो के हिसाब से वो गाना राजेश खन्ना साहब पर चल ही नहीं पा रहा था, वो सुमित सहगल पर ही पिक्चराइज होना था। ऐसे में सावन कुमार टाक ने अपनी स्टोरी का पूरा नरेशन देते हुए राजेश खन्ना साहब को वो सीन समझाया। उसके बावजूद राजेश खन्ना साहब नहीं माने, उन्होंने कहा जैसे भी होता है तुम स्टोरी बदल दो, लेकिन ये गाना तो मेरे ऊपर ही पिक्चराइज होगा। ये गाना था कौन सुनेगा किसको सुनाए। यहाँ पर बात हो रही है फिल्म सौतन की बेटी की। इसी फिल्म में पहले राजेश खन्ना साहब थे, राजेश खन्ना साहब को फिल्म पसंद थी, फिल्म के गाने पसंद थे। कौन सुनाए ये गाना राजेश खन्ना साहब को इतना पसंद आया कि इस गाने को उन्होंने खुद पर पिक्चराइज करने की बात की, लेकिन जब सावन कुमार टाक ये बात नहीं माने तो राजेश खन्ना साहब ने इस फिल्म को ही छोड़ दिया, और बाद में एंट्री हुई जितेंद्र की। ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई, फिल्म के गाने बेहद खूबसूरत थे, और यही वो किस्सा है कि जब राजेश खन्ना साहब ने उनके हिसाब से डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं चले तो उन्होंने उस फिल्म से ही वॉकआउट कर दिया। ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ एक स्टार में ही आ सकता है। वेल, आपको क्या लगता है, अगर सावन कुमार टाक मान जाते और उन्होंने ये गाना कौन सुनेगा सुमित सहगल की जगह राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज किया होता तो क्या वाकई में ये गाना वैसे आज भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन राजेश खन्ना साहब के साथ ये गाना पिक्चराइज किया होता तो ये गाना और भी बड़ा होता? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।